मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र से लेकर दिवाली आने तक जन आस्था का पूरा सम्मान करते हुए अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडल, जोन, रेंज, पुलिस कमिश्नरेट और जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को सुदृढ़ कानून व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश भी दे रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी, दशहरा, वाल्मीकि जयंती, बराफात, दीपावली और छठ जैसे जरूरी पर्व त्योहार आगामी कुछ दिनों के अंदर ही हैं। यह समय संवेदनशील है, इस दौरान 24 घंटे अलर्ट मोड में रहना होगा। साथ ही उनका कहना था कि अगले एक माह त्योहार की उमंग से भी भरे होंगे, इस कारण बाजारों में भी भीड़ होगी। ऐसे में पुलिस को फुट पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी। साथ ही महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के बीच अनावश्यक बिजली कटौती ना की जाए, तय रोस्टर के अनुसार ही गांव और शहरों में बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। वहीं प्रदेश कमिश्नरी और रेंज स्तर पर कंट्रोल रूम एक्टिव किए जाएं और प्रदेश स्तर पर एडीजी कानून व्यवस्था द्वारा इसकी निगरानी की जाए। प्रदेश में परंपरागत रूप से 40,000 से ज्यादा स्थलों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं रखी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रतिमाओं की स्थापना होती है। उनका कहना था कि पूजा समितियों से कॉन्टैक्ट करें, कोशिश करें कि प्रतिमा की स्थापना सुरक्षित स्थान जैसे सार्वजनिक पार्क आदि में हो, ताकि सड़क पर सामान्य यातायात प्रभावित ना हो। आस्था और जन भावना का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही उनका कहना था कि प्रतिमा विसर्जन के समय भी पुलिस बल की तैनाती के लिए स्थानीय जरूरतों के मुताबिक रणनीति तैयार करी जाए। विसर्जन के लिए समितियों से संवाद कर अस्थायी तालाब का निर्माण कराया जाना उचित होगा। साथ ही उनका कहना था कि देर रात तक रामलीला का मंचन चलता रहता है, ऐसे में सुरक्षा की ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिए। संवेदनशील मामलों में वरिष्ठ अफसर लीड करें और मौके पर जरूर उपस्थित रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था कि हाल के दिनों में कुछ जिलों में कुछ ज्यादा ही अप्रिय घटनाएं हो गई हैं। इनके दोषियों को कठोरतम सजा हो, इसके लिए प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द न्याय मिले। साथ ही ड्रग माफिया, गौ तस्कर, शराब माफिया, खनन माफिया और भू माफिया सहित अवैध गतिविधियों में संलिप्त सभी अराजक तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। साथ ही ये फैसला भी लिया गया कि खनन माफियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो, इनकी संपत्ति जब्त की जाए। आगामी 10 दिनों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट भी भेजी जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस हैं। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।